90% की मैं भी हमेशा वर्दी पहन के गाड़ी चलाता हूँ। देखो एक अपना काम है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक आज के एक नए टॉपिक पे एक भाई के कमेंट आया था, उस पर बात करेंगे आज। कमेंट क्या आया था कि यार मतलब ड्राइवर की वर्दी के बारे में, मतलब ड्राइवर की वर्दी क्या होती है, ऑनर की वर्दी क्या होती है, और ऑनर के गाड़ी चलाने से क्या बेनिफिट है, ड्राइवर के गाड़ी चलाने के क्या बेनिफिट है और नुकसान है। तो इस सारे चीजें पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना आप लोग। और आप लोगों ने अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले आगे की सारी वीडियो आप लोगों को फटाफट यूट्यूब अपडेट भेजता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में देरी ना करते, वीडियो करते स्टार्ट। तो सो गाइस, एक हमारे भाई थे, नाम मुझे याद नहीं है, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सो गाइस, जो वर्दी का जो मैटर है ना, वर्दी का देखो, वर्दी आजकल रेडीमेड भी आप खरीद सकते हो, बाजारों में बिक जाता है, ठीक है, 300-400 रुपए का सेट मिल जाता है वर्दी का, पैंट और शॉर्ट का। बट देखो वो एक मतलब रेडीमेड, तो भाई रेडीमेड होता है ना, तो वो वाली कॉन्सेप्ट आ जाती है। तो आप देखो, मैं तो ये कहूंगा भाई, देखो मेरी जो शॉर्ट है ना, मैंने अपनी फिटिंग शॉर्ट सिलवाया था अच्छे वाले कपड़े से लेकर के, और कलर जो था ब्लू था, मतलब लाइट ब्लू था, डार्क ब्लू नहीं था, लाइट ब्लू था। जबकि मैं एक गाड़ी ओनर भी हूं, तो मुझे व्हाइट वर्दी की सिलवाना चाहिए, बट मेरे को ये कलर अच्छा लगा, तो ठीक है मैं ओला ओवर के हिसाब से एक लाइट कलर में, ठीक है। बहुत लोगों को देखूंगा बिल्कुल स्कूल ड्रेस ही पहन लेते हैं यार, वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट अजीब ही लगता है। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से ड्राइविंग करना है ना, तो आप वर्दी पहनो, जूता लगाओ, टाई लगाओ, तब थोड़ा सा जचे हो गए आप, ठीक है, ड्राइवर कहलाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं एक शॉर्ट डाल लिया, पैंट लूजर डाल लिया, कुछ भी डाल लिया, तो भाई देखो इस सब पे भी चलान है, जिस दिन आप पकड़े जाओगे ना उस पर चलान है। मेरे हो चुके, क्योंकि मैं भी कई बार लूजर पहन के निकल जाता हूँ। मैं आपको झूठ क्यों बोलूं भाई कि मैं जूता पहनता हूँ, चाहे ये पहनता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम चले जाते हैं, पहनते तो वैसे रेगुलर ही है लेकिन बट नहीं पहन पाते, जल्दी जल्दी में निकल गया, मजे मजे में, ठीक है भाई पकड़े गए तो चलान करता है। एक बार तो मुझे ऋषिकेश में पकड़ लिया था, मैंने शॉर्ट नहीं डाल रखा था वर्दी, तो इस चीज से होता है। तो चलिए गाइस, आपको मैं बताना चाहता हूं कि व्हाइट वर्दी जो होता है ना, व्हाइट वर्दी मतलब आपका ऑनर का होता है, मतलब ऑनर देखे होंगे आपने बहुत सारे लोगों का जो व्हाइट कलर की वर्दी होती है, उस पर ये टैग लगा होता है, बाकी यहाँ पे अपना बैच लगा होता है, और आजकल बैच भी लगाना जरूरी हो गया, क्योंकि आजकल इस पे भी चलान दबा के कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग को भी इस चीज पे माइंडसेट बिठाना चाहिए, वर्दी पहनना कंपलसरी कर दिया है आरटीओ ने, अगर नहीं पहने पकड़े गए तो बहुत तगड़ा वाला चलान हो सकता है, चलान से बचना है तो भाई ये चीज रूल को फॉलो कीजिए आप लोग भी, और कोशिश मैं भी करता हूँ 90% की मैं भी हमेशा वर्दी पहन के गाड़ी चलाता हूँ। देखो एक अपना काम है, अगर काम से आप शर्मिंदा करते हो ना, तो उसमें नुकसान आपका है ना कि दूसरे का है। तो ये वाली वर्दी जो है नीली कलर की, ये ड्राइवर के लिए है, और व्हाइट कलर वाली है वो जो है वो ऑनर के लिए होता है। उसमें मतलब एक खाकी जो होती, वो मतलब व्हाइट जो होती है ना खादी वाली, वो मतलब एक लाला बनिया जो होता है ना गांव में कहते हैं, मतलब शहरों में दुकानों पे जो बैठते पुराने लोग कहावत है, तो उस तरीके का हिसाब किताब है इसमें भी। लेकिन हाँ देखो, ड्राइवर खुद चलाता है, मतलब मालिक खुद चलाता है, कोई गलती करता तो उसको मतलब जो क्या बोलते हैं उसको फाइन कम के हिसाब से लगता है, जो एक नॉर्मल रेट है, जो अपना रूल्स के अकॉर्डिंग है उस पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर ड्राइवर इसी में कोई भी ड्राइविंग करता है, उसका फाइन ना डबल हो जाता है। ये चीज पुराने भाइयों को सभी को पता होगा, अगर भाई मेरे मुंह से कुछ गलत निकल रहा हो तो भाई प्लीज सॉरी। अगर नए भाई इस लाइन में आना चाहते तो उसको मैं बता दूं कि इस तरीके से भी होता है। तो आप लोग ये दोनों चीज कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि वर्दी का क्या मैटर है और वर्दी कहाँ से लेना चाहिए। देखो भाई मैं तो सजेशन ये करूंगा कि वर्दी आप लोग सोच समझ के अगर आपने आसपास में सिलवा सकते हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि तो सिला हुआ चीज की ना क्वालिटी अच्छी लगती है, एक प्रोफेशनल देख सकते हो, आप देख सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, तो ये प्रोफेशनल वर्क होता है, मतलब एक आप लगे कि हाँ ड्राइवर हो। और कपड़ा भाई देखो, बहुत सारे ड्राइवर को मैं देखता हूँ, आप अपनी छवि को अच्छा कीजिए, अपने अपने आप को क्वालिटी को अच्छा कीजिए, समझे। होता क्या है कि लोग एक ही वर्दी 10-10 दिन 5-5 दिन घर रगड़ते रहते हैं, पहनते रहते हैं, उससे गंदा फील होता है यार, एक
मतलब इसमें डस्ट भी बैठता है, गंदगी होती है, तो वो सब चीज कस्टमर को नेगेटिव पसंद। आप दो वर्दी सिलाओ, एक आज के लिए एक कल के लिए। अगर आज 2 दिन अगर इस कपड़े को आप पहन लेते हो, तीसरे दिन इसको हटा दो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा डेली चेंज कर सकता है डेली, क्योंकि देखिए हम डेली नहाना धोना होता है ना, तो ऐसे ही हमें इस कपड़े को भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर अच्छे कपड़े नहीं पहन के रखो रहोगे ना, तो गाड़ी की तो इज्जत चली जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी भी इज्जत जाएगी, तो ये वाली बात है। और कस्टमर के नेगेटिव में फीडबैक गलत आएगा, तो देखो सारा एक कस्टमर एक भगवान है, और उस भगवान को उस रूप उस रेखा को उस दृष्टि को उस तरीके से हैंडल करना होता है आप लोगों को, या सभी को, हम लोगों भी करते हैं। कितना भी कस्टमर परेशान होता है, वो सब चीज को हैंडल करना हम लोग के हाथ में। जितना आप कॉपरेट करेंगे ना भाई, आपको उतना ही बिजनेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर होता है क्या पता वो किस टाइप के का है। आप जितना आप जो डिसिप्लिन के साथ बात करते हो ना, वो जो सामने वाला होता है ना, वो आपका एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, कल को बहुत सारी चीजें वो काम भी दे सकता है। या मैं भी ये मानता हूँ कि कस्टमर भाई किसी का नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे 100 में से 10% आप मान के चलो कि ऐसे कस्टमर होते हैं जिसको आप समझ लो मतलब कि आपको अच्छा मानेंगे, समझ रहे हो ना। बाकी तो देखो कंपनी जहां 2 पैसा सस्ता देगा वहां भागता है हर कोई बंदा। तो ये चीज आपको माइंड में बैठाना। आज की डेट में आप देखेंगे मेरा हफ्ते में 2 3 4 ड्यूटी डायरेक्ट मिलना शुरू हो गया है, तो मुझे भी पता है कि मैंने जब से गाड़ी चला रहा हूँ तो लोगों के पास मेरा नंबर बटा है, और मैं मेरे से जो जितना ड्यूटी होता है उतना मैं करता हूँ, बाकी लोगों को दे देता हूँ। तो सो गाइस, ये आप लोग को आज का अपडेट मैंने दे दिया है। किस बात के लिए? हाँ सॉरी, मतलब एक भाई का जो कमेंट आया था उस पर मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को कि ये वर्दी का मैटर था। और बाकी आप लोग किस का टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आप लोग कमेंट करना और मैं आप लोगों को उसका एनालाइज करके आपको सारा डाटा डिटेल्स में शेयर करूंगा। तो सो गाइस, इस ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।